ये देश में एक रेवोल्यूशन शुरू हो रही है, वो रेवोल्यूशन जिससे कि सारे भारत में नहीं बल्कि विश्व में ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स का उदय होगा। तो ये उदय हरियाणा से हो रहा है, गुरुग्राम से, क्योंकि यहीं पर एक नव भारत का निर्माण हो रहा है और इसका हम लोग रोल आउट कर रहे हैं, दोनों चीजों का, GST और रीरा का। ये सेशन हमारा पूरा दिन चलेगा और जितने भी यहाँ पर व्यक्ति आ रहे हैं उनको हम बाद में सर्टिफाई भी कर रहे हैं कि इनको हमने इतनी नॉलेज, इतनी ज्ञान दे दिया है कि ये एक तरह के ट्रेनर्स बने हैं। हम कल ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनर्स भारत के हर भागे में जाके, पहले तो हरियाणा शुरू होके, ये हमारा मिशन फैलाएंगे। सर, इसमें जैसे कि आपने बताया है कि ट्रेनर्स को आप ट्रेन करेंगे, तो इसमें कौन कौन सी एमिनेंट बॉडीज आपसे जुड़ने वाली हैं कल, जो कि वहाँ पे मौजूद होंगी? देखिए, ऐसा है कि एक तो सरकार स्वयं, हरियाणा सरकार के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रीरा हैं वो स्वयं आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो बातें हैं कोई लोगों को समझ में नहीं आती, जो कि लिख के नहीं बताई जा सकती है। तो सब लोगों को मौका मिलेगा ओपन हॉल में, ओपन डिस्कशंस में, कुछ भी पूछेंगे हम उनका जवाब देंगे और ये सारी चीज़ चलती रहेगी। पहले तो लंच तक हम रीरा के बारे में बात करेंगे और इसमें चाहे वो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं या रियल एस्टेट एजेंट्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब के लोग आ रहे हैं और इसमें जो भी आ रहे हैं 50-60 जो भी लोग आ रहे हैं, ये टॉप मोस्ट है, ये क्रीम ऑफ क्रीम है, जो कि जानना चाहते हैं और जो वचनबद्ध हैं कि देश में एक नया माहौल, एक नई रजीम को लाने के लिए। जी सर, आपको क्या लगता है कि आपको इस स्टेप के बाद कितनी अचीवमेंट हासिल हो सकती है? ये अचीवमेंट सिर्फ इस बात से नहीं गिनी जाती कि हमने कितने लोगों को ज्ञान दिया, अचीवमेंट इससे नज़र आएगी कि ये सब लोग जो आगे फैलाएंगे, तो ये हमारा काम की एक शुरुआत है, ये हमने चलते रहना है जब तक कि देश के हर कोने में, जो कि आज माहौल बना है कि भाई ट्रस्ट चला गया है, कई चीज़ें हैं जो इन्वेंट्री में पड़ी हैं, खाकी रियल इस्टेट की हो या बाकी प्रोफेशन की हो, वो लोग ट्रस्ट नहीं करते कि ये हमको ठीक मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये ट्रस्ट को दूर, जो डिस्ट्रस्ट को दूर करके एक ऐसा माहौल बनाना है कि दुनिया भर में, तो बाद में होगा पर भारत में एक आवाज़ उठेगी कि अब से करप्शन नहीं होगी, भ्रष्टाचार का अंत होगा। ये बिगिनिंग है, अंत नहीं है। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं रियलिटी मीडिया की तरफ से आपको इस इनिशिएटिव के लिए। थैंक यू सर।